जो पुलवामा हमला हुआ है उसके बारे में जो मलिक जी ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो वो जो स्टेटमेंट दिया है तो उसमें हमने एक ही मांग एक्स्ट्रा रखी कि पुलवामा हमले की SIT जांच बैठे, कि जितने भी भ्रष्टाचारी हर पार्टी के लोग थे वो सब BJP में आ रहे हैं, ये कौन सी पार्टी अच्छी बन रही? फिर कौन से दफ्तर में जाने के बाद बिना पैसे दिए काम होता है ये मुझे पहले बताओ। जिसको आया रामराज उसको आने दो, उसको वो लख लाभ, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए कोई रामराज नहीं आया। वहाँ पे फोटो किसका है? अन्ना का। अन्ना को डर गए, उनको लगा कि देश जागृत हो जाएगा और हमारे खिलाफ जाएगा, इसीलिए केंद्र सरकार ने हमें यहाँ पे बैठने के लिए परमिशन देने के लिए मना कर दिया। मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पोस्टर है राष्ट्रीय लोक आंदोलन का, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। एक मैडम है हमारे साथ जो अनशन प्याज बैठी हुई हैं, और हम इनसे पूछेंगे कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, फिर आप लोग क्यों यहाँ पर बैठी हुई? सारी चीज़ें तो अच्छी चल रही हैं, ऐसा आपको लगता है सारी चीज़ें अच्छी लग रही है? देखिए मैडम, हम लोगों ने परमिशन, हमें गवर्नमेंट ने परमिशन दिया आंदोलन करने का, और उन लोगों ने हमारा शाम को 4 बजे परमिशन कैंसिल किया। हमारे सब जगह से हमने उनको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 300 से 500 लोग आएंगे, उससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, आपका ऊपर से हमें ऑर्डर है, आप कल आंदोलन नहीं कर सकते। कल हमारा पूरा मंडप बन गया था, मंडप निकालने के लिए बोल दिया, हमारा कल मंडप निकल गया। निकलने के बाद जो राष्ट्रीय लोक आंदोलन के जो सचिव है अशोक सब्बन जी, ये वापस पुलिस स्टेशन में गए। उन्होंने बोला कि इतने बाहर के जो कार्यकर्ता आए हैं तो कम से कम उनको बैठने के हिसाब से हमें एक दिन का तो परमिशन दीजिए। 10 बजे तक वो DCP ऑफिस में थे, उसके बाद उन्होंने एक दिन का परमिशन लाया, वो भी दोपहर 2 बजे तक। उन्होंने बोला क्यों, क्या वजह है वो लोग रोक रहे थे? उन्होंने ये बोला कि आपके आंदोलन का रिपोर्ट है कि यहाँ पे हिंसा हो सकती है, कुछ मार पिटाई हो सकती है, ऐसा हमें रिपोर्ट उन्होंने दिया। लेकिन ये रिपोर्ट गलत है, क्योंकि हम हिंसा करने वाले लोग नहीं है, हम लोग अहिंसक मार्ग से चलने वाले लोग हैं। बस मुझे इतना ही बताना है कि आज जो भी केंद्र सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है। आज तो हम जो लोग आए हैं उनका खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है, पीने का पानी पीने का बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमिशन ही नहीं दिया था। आज सुबह यहाँ पे मंडप लगा हुआ है, लेकिन हम वापस पूरी तैयारी करके कोर्ट से पूरा परमिशन लेके रामलीला मैदान में पूरा जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन खाली रामलीला मैदान में नहीं होगा, यह आंदोलन पूरे देश में होगा। इससे पहले भी रामलीला मैदान में आज से कुछ दिन पहले बहुत भारी तादाद में देश के कोने कोने से किसान मौजूद थे, उस समय तो रोका नहीं गया, लेकिन आज आप लोगों को रोका जा रहा है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जितना मुझे पता है लोकतंत्र में विरोध करना हमारा अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना हमारा अधिकार है, लेकिन आप जैसा कह रही हैं कि नहीं हमें मना किया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि किसान इससे पहले बहुत भारी तादाद में जो हैं प्रोटेस्ट कर चुके हैं। देखिए हमारे पास सर्टिफिकेट है, उन्होंने दिया कि हमें लिख कर कि बाबा ये सर्टिफिकेट नहीं, वो मतलब कैंसलेशन का ऑर्डर है, कैंसलेशन का ऑर्डर उनके हाथ में दिया। मुझे डर, आज वहाँ पे फोटो किसका है? अन्ना का। अन्ना को डर गए, उनको लगा कि देश जागृत हो जाएगा और हमारे खिलाफ जाएगा, इसीलिए केंद्र सरकार ने हमें यहाँ पे बैठने के लिए परमिशन देने के लिए मना कर दिया। आपने यहाँ पे लिखा है हमारी मांगे में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, भ्रष्टाचार कहाँ है? एक सबसे पहली बात है कि इस मांगों में हमने एक ही मांग लिया, एक्स्ट्रा एक मांग लिया कि जो पुलवामा हमला हुआ है उसके बारे में जो मलिक जी ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो वो जो स्टेटमेंट दिया है तो उसमें हमने एक ही मांग एक्स्ट्रा रखी कि पुलवामा हमले की SIT जांच बैठे। जो भी है पुलवामा में जो हुआ उसका SIT नियुक्त कर लो, जो भी जांच के सामने आ जाएगा वो जनता के सामने आ जाएगा, उसमें हमने कुछ किसी के पर एलिगेशन नहीं किया, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से उगड़ सामने आ जाएगी। जैसे कि मलिक साहब की आपने बात कही तो कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे इतने साल से मलिक साहब कहाँ थे? हाँ, तो वो टाइम हमने भी उनसे सवाल यही पूछा था कि उस वक्त आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तो उस वक्त मेरी आवाज़ दबाई थी इसलिए मैंने उठाया ना, ऐसा उनका कहना है। जो भी हो वो क्या कह रहे
क्या कह रहे हैं, जनता का मन में जो संभ्रम है वो संभ्रम थोड़ा दूर करे। वो संभ्रम यही है कि संभ्रम दूर करने के लिए SIT नियुक्त कर दो, बात खत्म हो जाएगी। हमारा थोड़ी एलिगेशन है सरकार पे या किसी पे एलिगेशन नहीं है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रही है। आपने देखा है यूपी की गवर्नमेंट में अतीक अहमद जैसे अपराधी को जड़ से मिटाया जा रहा है और आप लोग सवाल उठा रहे हैं सरकार पे। कौन से दफ्तर में जाने के बाद बिना पैसे दिए काम होता है ये मुझे पहले बताओ। कई किसानों को मजदूरों को देखो कहाँ पे जाते हैं, राशन से हर दफ्तर में जाओगे तो पैसे दिए बिगर काम ही बनता नहीं। कौन सा भ्रष्टाचार कम हुआ? बीजेपी जो है वो बहुत जो है लोकप्रिय पार्टी है और वो बहुत कट्टर ईमानदार है। हम पार्टी के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहते, फिर भी आपने पूछा इसलिए बोल रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हर पार्टी के लोग थे वो सब बीजेपी में आ रहे हैं। ये कौन सी पार्टी अच्छी बन रही? फिर जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है सबको अंदर डाल दो ना, कौन से भी पार्टी का हो। जा तो रहे अंदर, सत्येंद्र जैन दिल्ली के जो हमारे महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा कांग्रेस वाले ही बीजेपी में आ गए, सारे तो भ्रष्ट है। आपने आप अभी यहाँ देखिए आप लगातार सीबीआई आप हमारी मांगे की तरफ ध्यान कीजिए, पार्टी पे हमें मत खींचो, पार्टी से हमें कोई लेन देन नहीं है। करप्शन बंद करना है तो लोकपाल का जो कानून था वो उसे तो करप्शन की ही बात कर रही हूँ, करप्शन तो खत्म हो रहा है। आपको लगता है करप्शन खत्म हुआ तो आप वो कह रहे हैं, करप्शन खत्म हुआ तो आप कह दो वो, हम क्यों कहे। हमें तो करप्शन दिख रहा है हर जगह पे, कौन से भी दफ्तर में जाओ सामान्य जनता का मजदूर का काम ही नहीं होता पैसे दिए बगैर। कौन सा करप्शन खत्म हुआ? करप्शन के नाम पे ये तो पार्टी में लोग जुटा रहे हो, ये कौन सा करप्शन खत्म कर रहे। दूसरी बात है, हर स्टेट में स्टेट लेवल के दफ्तर का ही काम जनता में होता है। अगर लोक आयुक्त का कानून सक्षम बन गया तो लोगों को राहत मिलेगी। जिस बाबू के विरोध में हम कंप्लेंट करते हैं कई कंप्लेंट आज चलेगी और कई काल निश्चिति में उसको रिजल्ट मिलेगा। ये लोक आयुक्त का कानून तो तय करो हर स्टेट में। आप भ्रष्टाचार की बात करें तो मैं आपको एक दो चीजें गिनवा देती हूँ। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पे लगातार ईडी CBI जांच कर रही है और दो मंत्री इनके जेल में भ्रष्टाचार के खिलाफ। अरे आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो तो काम चल रहा होगा, मुझे कुछ से उस लेना देन नहीं है, मगर जो प्रशासन में काम हो रहा उसमें कहाँ भ्रष्टाचार कम है। सामान्य जनता तो उससे पीड़ित ही है ना, कौन से भी दफ्तर में जाओ पैसे दिए बगैर काम ही नहीं होता। कहा कौन लोग रुके ले रहते कार्यालय में? आप सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार नहीं तो कोई, आप जिम्मेदार है, सरकार ही जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन तो सबके पास ईडी CBI भेज रही है जांच करने के। वो तो ईडी गिने चुए लोगों के पास जा रही है, ईडी कोई हर बाबू के पास नहीं जा रही है। ईडी कई गिने चुने लोगों के पास ही जा सकती है, उनके पास ही जाती है, उनको भी कोई बंधन है कि कितने पैसों का करप्शन रहा तो वो जाएगी। वो छोटे मोटे करप्शन में नहीं है, जनता तो त्रस्त है छोटे मोटे करप्शन से त्रस्त है। अच्छे दिन आ गए हैं, राम राज आ गया और क्या चाहिए, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। जिसको आया राम राज उसको आने दो, उसको वो लख लाभ, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए कोई राम राज नहीं आया, यूपी में राम राज आ गया तो यूपी वालों को लख लाभ होना, हमें कोई आया नहीं। आप यूपी मॉडल फॉलो करें। हम महाराष्ट्र से आए, हमारे महाराष्ट्र में कोई राम राज्य नहीं है। राम राज से कुछ नहीं है, नहीं है तो क्या चाहिए? रामराज नहीं चाहिए, रामराज चाहिए, सही है। रामराज नहीं है दिल्ली में, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में केंद्र की सरकार तो अच्छा काम कर रही है। नहीं, केंद्र की सरकार जो काम कर रही है, न्यायालय केंद्र के अंतर्गत आते हैं। एक मिनट, न्यायालय केंद्र के अंतर्गत आते हैं। हमारे मुद्दे लोक आयुक्त सक्षम करो, RTI के दायरे में सब पार्टियों का जिक्र करो, उसमें जो पार्टियां थी वो निकाल दिए उसमें से। लोक आयुक्त कहीं पे भी बना हुआ नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में लोक आयुक्त बन रहा है, वो भी विधान परिषद में पारित हुआ, विधानसभा में पारित होने का रह गया। उसी प्रकार से हमारे जो मांगे, एजुकेशन के बारे में सोचो, जो एडमिशन लेने जाता है बच्चा तो 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए तक का फीस देना पड़ता है। कहा एजुकेशन फ्री में है, KG से PG तक का एजुकेशन फ्री करो, हमारी मांगे तो वही है ना। स्कूल का फीस भी बढ़ गया है और किसानों नौजवानों को पैसा सहारा बैंक घोट कर रखा, उनको भी नहीं दिया जा रहा। आपको सरकार हिंदू राष्ट्र भी दे रही है, आपको हिंदू राष्ट्र भी चाहिए। है तो हमें हिंदू से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको भ्रष्टाचार से दिक्कत है। महिलाएं सुरक्षित हैं, जैसे महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन ये हम थोड़ी ना गलत बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बेटा नहीं है। बेटी पढ़ाओ। अरे बेटा, स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, पैसे लगते हैं सब जगह, न्यायालय में पैसा लगता है,
नीचे सिस्टम सारा भ्रष्ट है, कोर्ट कचहरी थाने सब जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बीजेपी तो काम कर रही नहीं है, कर रही। कौन कहता है? मेरे साथ लाओ सहारा बैंक कितने लोग, मैं चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ उनको, मैं प्रत्यक्ष से दिखाऊंगा ना। कट्टर ईमानदार पार्टी है बीजेपी और वो काम कर रही है। आप ही तो बता रहे हो, लेकिन हम तो संघर्ष करते हैं ना, जाते हैं। बात सुनो, लोकपाल लोक आयुक्त जिससे पैसे कम लगे, जल्दी फैसला हो जाए, पैसा जनता का लगे नहीं, जनता को फायदा मिल जाए। सब जगह जनता को पैसा देना पड़ता है, वकील करना पड़ता है, और वकील और मजिस्ट्रेट सब जगह सिस्टम जो कुछ है वही है, SHO ACP DCP ऊपर। कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जो सरकार चलाता है, जो मालिक है, पतंग उड़ाता है। कौन कौन पतंग उड़ाता है? जिस लोग को नियुक्त करके हम भेजते हैं, जिसको नियुक्त करके भेजते हैं। आपने बोला पतंग उड़ाता है, सरकार कौन चलाता है? पतंग का मतलब हमारा जो है वोट लेकर जाता है। सरकार कौन चलाता है? सरकार हमारा वोट लेकर जाएगा, वो चलाएगा। कौन चला रहा है? सरकार चलाने वाला MLA होगा, MP होगा। और हम तो कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे, क्या लग रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है? केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं? हम यहाँ पे सांगली से आए हैं, मिलिंद कुलकर्णी सांगली प्रस्तुत जिंदगी एक सफर के माध्यम से देशभक्ति पर गीतों का हाँ जो प्रोग्राम है, इसके वास्ते हम यहाँ आए हैं, लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, देशभक्ति जागरूक करने के लिए। देशभक्ति तो मतलब सबके रग रग में है, खून खून में है, और सरकार अच्छा काम भी कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रही है। सारी विपक्षी पार्टियों के जो भ्रष्टाचार जो कर रही है उसको जेल में डाल रही है, और क्या चाहिए? भ्रष्टाचार हो ही रहा है मैडम जी, देखो तो गली से लेके दिल्ली से भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। स्कूल में जाओ, फीस ले जाती है, फिर बाजार में जाओ, वो भाव बढ़ा दिया है, गैस का भाव बढ़ा दे, सरकार क्या काम? रोजगार भी तो दे रही है, भाव बढ़ा दिया। रोजगार जिसको मिला है उसको मिला है, बाकी के लोग तो ऐसे ही बेरोजगार है ना। तो पकौड़ा तल ने बोला तो पकौड़ा तल के खाओ, आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी ने कहा है। नहीं, मोदी जी तो अच्छा काम करते ही है, लेकिन वो काम सामान्य जनता तक कहाँ पहुँचता है मैडम जी? किसानों को पैसा दिलवाया जाए, जो सहारा में गरीबों का पैसा जमा है, उसको सरकार अगर समझ रहा है कि किसान भाई परेशान है तो उनको दिलवाया जाए। किसान परेशान है, किसी की लड़की 5G ला दिया, 5 किलो राशन मिल रहा है। हमको 5G लाने से नहीं मतलब, हमको किसानों को पैसे से मतलब है। ये देखो भाई, जो किसानों की बात कर रही है, ये जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान है या क्रिकेट प्रधान है, कुछ समझ में ही नहीं आता। विराट 15 करोड़ में गया, धोनी 20 करोड़ में गया, और हमारा किसान लटक के मर गया। इसको क्या चाहिए किसान को? उसको कुछ लेबल की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके माल को भाव देना चाहिए, वो भी मिल नहीं रहा। इसलिए हमारी किसान की जो हालत है वो बहुत बुरी है, वो किसान आत्महत्या कर रहा है, ये हमारे देश की अवस्था है, इसकी और सरकार ने ध्यान देना चाहिए ना। आप बोल रहे हैं देश की ये व्यवस्था है, लेकिन जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया टेलीविजन पे, भारत अपना नाम विश्व पटल पे रोशन कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है भारत, और आप लोग ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, विश्व गुरु तो हो रहा है भारत, बराबर है, मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम चल रहा है, ये अंचल पे लोग बैठे हैं, उनकी भी बात सुननी चाहिए। किसानों की, जवानों के लिए ही तो काम कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन किसानों को ध्यान किधर दे रहे हैं? किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक पहुँचा है किसान तक पहुँचे क्या? वो जो आदमी होते ना, जो पहुँचाने वाले, जो योजना वगैरह पहुँचाने वाले जो आदमी, वही भ्रष्टाचार कर रहे है ना, उसके और ध्यान देना चाहिए। आप लोग कल ही शायद ये प्रोग्राम करने वाले थे कल, लेकिन क्यों रोक दिया गया? वो परमिशन नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, नहीं वो अभी मैडम जी बोलेंगे। भ्रष्टाचार तो खत्म हो रहा है। नहीं बेटा, नहीं खत्म हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हम भ्रष्टाचार के विरोध में ही है ना। और आप एक काम करो, मेरे साथ चलो और अपनी टीम को ले चलो, और मैं आपको दिखाऊंगा सच्चाई में, अगर भ्रष्टाचार हो तो आपके अंदर के आत्मा ये कहेगी क्या है? है आपको कोई बोलेगा कि हम आपको नौकरी देते हैं, 15,000 रुपया दीजिए? नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। नौकरी तो सबको मिलनी चाहिए। नहीं देंगे, हम क्यों देंगे पैसा? पैसा नहीं देंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये, भ्रष्टाचार का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है। महंगाई
भाई तो ठीक है, रोजगार मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, 15 लाख खाते में नहीं आए आपके, पक्का मकान दे रही है। बेटा एक एक बात बताओगे, सही बताना, कहीं यो सरकार या यो प्रशासन ये तो ना कह रहा है इन लोगों को भटकाओ रास्ता? नहीं नहीं ऐसा, 15 लाख नहीं आए, पक्का मकान मिला या नहीं, नहीं मिला? नहीं मिला। कौन कहता मिला है? बेटा आप प्रैक्टिकल में नहीं हो ना, आप इसमें हो, चैनल से हो, प्रैक्टिकल में हो तो हमारी तरह कहोगे। चलिए, लगातार आपने देखा कि इन लोगों को कल ही प्रोटेस्ट करना था लेकिन किसी वजह से ये लोग नहीं कर पाए थे, और आज ये लोग जो हैं लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई और जो किसानों के लिए MSP वाली जो मांग थी उसके लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लग रहा है लगातार रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पे लगातार दिल्ली में आके लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही, आप लोगों को क्या लग रहा है?